Assalamualaikum. Welcome to Indian Kitchen. आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मंचूरियन. चलो शुरू करते हैं रेसिपी. चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स. मैंने लिया है 1 मीडियम साइज कैबेज, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है. हाफ कॉलीफ्लावर, इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है. ऑयल फ्राइंग के लिए लेंगे. ग्रीन चिल्लीज मैंने स्लिट करके ले लिया है, 2 to 3 ग्रीन चिल्लीज ले लिया है. फाइनली चॉप गार्लिक है. ये चिल्ली रेड चिल्ली सॉस है, 2 teaspoon रेड चिल्ली सॉस, 2 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर, 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 tablespoon कॉर्नफ्लोर, 2 tablespoon ऑल पर्पज फ्लावर मैदा है. और हम सब सॉस लेंगे, विनेगर है, सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस. आपके पास जो भी सॉस अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं. मैंने ले लिया है मिक्सिंग बॉल, इसमें मैं डालूंगी कैबेज, कॉलीफ्लावर, कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे 2.5 tablespoon, हाफ हम रख देंगे, थोड़ा सा तड़के के लिए लगेगा हमें. मैंने इतना कॉर्नफ्लोर रख दिया है. अभी मैं डालूंगी मैदा, मैदा हम पूरा डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट मैं 1 teaspoon इसमें डालूंगी, थोड़ा हमें बाद में लगेगा. डालूंगी मैं 1 teaspoon रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस में डालूंगी 1 teaspoon, थोड़ा डालूंगी सोया सॉस, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मैरिनेशन के टाइम पे आपको थोड़ा पानी लगेगा, पानी लेकर आप अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए. अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है. और मैरिनेशन के टाइम पे अगर आपको बाइंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आए तो आप 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं. मैंने और 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर डाला. अभी मैंने साइड में ऑयल भी गरम करने रख दिया है. अभी मैं इसको फ्राई कर लूंगी, इसके बॉल्स बनाऊंगी. अभी मैं थोड़ा सा ये डाल के देखती हूँ कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है क्या. हाँ, हमारा ऑयल अभी गर्म हो गया है. अभी मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी और इसको फ्राई कर लूंगी. हमारा ऑयल मीडियम होना चाहिए, ज्यादा भी गर्म हो जाएगा तो ये बॉल्स डालते ही जल जाएंगे. अभी मैंने इसमें बॉल्स बनाकर डाल दिए हैं. अभी हम इसे टर्न नहीं करेंगे, 1-2 मिनट हमें इसे पकने देना है वरना ये टूट जाएंगे. और हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है. इसे टर्न कर दिया है, अभी टर्न कर भी हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है, फिर हम इसे निकाल लेंगे. अभी ये बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैं इसे एक पेपर टॉवल पर निकाल लूंगी. और बाकी के बॉल्स में ऐसे ही फ्राई कर लूंगी. अभी रेडी है हमारे बॉल्स, अब हम इसे तड़का देंगे. मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें मैं डालूंगी 1 tablespoon ऑयल, 1 garlic जो हमने फाइनली चॉप कर लिए है, 1 saute karna hai,
थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड आ जाए तब तक हम इसे पकाना है। अभी हमारा गार्लिक लाइट ब्राउन हो गया है, अभी मैं इसमें डालूंगी 3 to 4 ग्रीन चिल्लीज। स्लिट्स करके लेना है हमें। गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है इधर, वरना ये सब जल जाएगा। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा चॉप किया हुआ कैबेज, इसे भी हम सॉटे कर लेंगे, थोड़ा कुक कर लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम स्लो ही रखा है। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, हमें नमक ध्यान से डालना है क्योंकि हम सॉस डालेंगे, सॉस में भी नमक होता है। हाफ टीस्पून रेड चिल्ली, रेड चिल्ली सॉस डालना है। हाफ टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस, हाफ टी स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून टमाटो सॉस। आपके पास जो भी सॉस अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स दे देंगे इसे। अभी मैंने जो ये कॉर्नफ्लावर बटर रखा था उसका हम घोल बनाएंगे। मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा पानी और इसे पेस्ट बना दूंगी। और ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अभी हम थोड़ा पानी डालेंगे, रेगुलर वाटर। ये हमारे जो बॉल्स हमने फ्राई कर कर रखे हैं वो डाल देंगे। मैं फ्लेम अभी मीडियम करूंगी। सोया सॉस थोड़ा कम लग रहा है तो मैं अभी हाफ टी स्पून सोया सॉस डालूंगी ताकि हमें अच्छा कलर मिले। अभी मैं डालूंगी 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर हमें लास्ट में डालना है और इसे डालते ही हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा एक स्टिर दे देंगे और हम निकाल लेंगे। अभी ये रेडी हो गया है, अभी मैं इसे सर्व करती हूँ। चलो तैयार है हमारा वेज मंचूरियन। ये बहुत ही डिलीशियस बना है, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको ऐसे ही और रेसिपीज देखनी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इंडियन किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।